भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में निकली है बंपर भर्ती। अगर आप भी है जॉब की तलाश में तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, SBI में निकली है बंपर भर्ती। आप भी SBI में कर सकते हैं आवेदन। 2000 पदों पर निकली है बंपर बहाली, जल्द करें आवेदन, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। जाने आप SBI के इन सुनहरे पदों पर कैसे करेंगे आवेदन, क्या करना होगा, क्या है प्रोसेस, जाने पूरी जानकारी विस्तार से, आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। जी हां, अगर आप भी SBI में नौकरी करना चाहते हैं यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो भी युवा ग्रेजुएट हो चुके हैं और फिर नौकरी की तलाश में है, वे SBI PO भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 7 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है यानी कि आज से ही। जो भी इसके लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार है वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट SBI.co.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो गई है और 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी, यानी कि 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं आप। SBI PO भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 2000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए SBI की प्रीलिम्स परीक्षा नवंबर 2023 में आयोजित की जाएगी। अगर आपको भी बैंक में नौकरी करने की चाहत है तो फिर आप तमाम बातों को ध्यान से देखें, सुने जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। या इसके अलावा जो भी उम्मीदवार ग्रेजुएट के फाइनल ईयर हैं वे भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य हैं। लेकिन इसके लिए जब उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो फिर उन्हें 31 दिसंबर से पहले फाइनल डिग्री से प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार जो भी SBI PO भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु सीमा 1 अप्रैल 2023 को 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही सरकारी नियम के अनुसार कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जहां उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करना होगा, जहां इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थिति होना होगा। जो उम्मीदवार जो भी इस मुख्य परीक्षा को पास करेंगे उन्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप एक्सरसाइज और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवारों को फेज 2 और फेज 3 में अलग अलग योग्यता अंक लाने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए अगर आवेदन किया जाएगा तो कितने फॉर्म शुल्क लगेगा, यानी कि फॉर्म भरने का कितना शुल्क लगेगा। तो आपको बता दूं कि सामान्य EWS OBC कैटेगरी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर ₹750 और SC ST PWD उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवार को ध्यान देना होगा कि एक बार भुगतान करने के बाद आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा और न ही किसी भी अन्य परीक्षा के लिए वैलिड होगा। दोस्तों, ये अपडेट बस है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।